नाजरीन फासक की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है।
जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनीका को दे, तो अनीका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनीका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनीका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनीका को दे, तो अनीका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनीका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनीका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनीका को दे, तो अनीका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनीका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनीका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनीका को दे, तो अनीका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनीका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में
इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा
कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे। तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि
मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं। मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाजरीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाजरीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाजरीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में
इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा
कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनीका को दे। तो अनीका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनीका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनीका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनीका को दे, तो अनीका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनीका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनीका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनीका को दे, तो अनीका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनीका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनीका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनीका को दे, तो अनीका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनीका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाज़रीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि
जिसके मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं। मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाजरीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे जब मुताहर अपनी बॉस से मिलेगा तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करने में इंतहाई खुश हूँ, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। जिस पर मुताहर की बॉस कहेगी कि मैं सारी दुनिया तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, मगर सबसे पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर तुम चाहो तो वो पूरी कर सकते हो। जिस पर मुताहर जानने की कोशिश करेगा तो सवेरा मुताहर से कहेगी मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो नाजरीन, क्या मुताहर सवेरा को अपने घर वालों से मिलाएगा या नहीं? तो क्या जब सवेरा को इस बात का पता चलेगा कि मुताहर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं और एक बच्चे का बाप है, तो वो ये सब कुछ जानने के बावजूद मुताहर से शादी कर सकेगी या नहीं? मगर दूसरी जानब अनिका तो फातिमा को ही मुताहर की जिंदगी से निकालने के तरीके सोचती है। जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस तरह मुताहर को फातिमा की जिंदगी से दूर किया जा सके ताकि मुताहर सारे का सारा वक्त अनिका को दे, तो अनिका फातिमा को मारने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या अनिका फातिमा को मारने में कामयाब हो सकेगी या फातिमा अपनी खुशकिस्मती से बच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।